एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग. माय नेम इज उर्वशी जोशी एंड दिस इज माय चैनल 333 हाई प्रीस्टेस. दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जुड़वा आत्मा ट्विन सोल करके एक वीडियो बनाया है, बट उसमें ये हुआ है कि कुछ कुछ आवाज़ भी उसमें कट पट के आ रही है और नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन भी उसमें ऑफ हो गया. मैंने अपने लैपटॉप से बनाया था वो सब कुछ, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है. और सबसे बड़ी बात कि मेरा इस वीडियो को बनाना और आगे आने वाले वीडियोज़ को बनाना के पीछे एक रीज़न है कि ये जो बुक मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है तो इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए सही चीज़ों में. तो काफ़ी बुक्स जो थी वो मैंने मंगाई हुई थी, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था. बट अब जब टाइम ही टाइम है तो मैं जो है इन किताबों को जब पढ़ रही हूँ, तो इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम बहुत ज़्यादा आ सकती हैं. जो मेच्योर्ड सोल्स हैं, जो मेरा चैनल देखते हैं, जो वो जिनको कि मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो कुछ चीज़ें जो पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस बुक में सब है. ठीक है, तो ये बुक है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड. अगर आप इस जर्नी में हो, ट्विन सोल अवेकनिंग या ट्विन सोल की जर्नी में हो, तो डेफिनेटली ये बुक जो है ये आपके लिए एक बाइबल जैसी हो सकती है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में हैं, जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस जर्नी में हो तो ये बुक आपके लिए मस्ट है कि इसको भी पढ़ना चाहिए. तो अभी जैसे लॉकडाउन है, बंद है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए. तो वो सारी बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगी और इसकी एक सीरीज़ बनाऊंगी, जीवात्मा जगत के नियम की, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड बुक की मैं जो सीरीज़ बनाऊंगी. तो उसमें वो जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस किताब में देखी हैं, उनकी मैं आपको एक एक करके वीडियोज़ बनाती जाऊंगी. ठीक है, तो ट्विन सोल क्या है, इनर वर्क क्या है, कैसे खुद को बैलेंस करना है, वो सारी चीज़ें तो हमने 2019 तक सीख ही ली ना. सब लोगों ने सीख ली, नहीं पता थी कुछ लोगों को पहले, सब ने लगभग सीख ली. सबका लगभग 50% 60% बैलेंस हो ही चुका है. जो फ्रेश आ रहे हैं उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, वो भी जल्दी बैलेंस हो जाएंगे. तो ये किताब जो है ये खुर्शीद भावनगरी जी ने लिखी है. ठीक है, ये खुर्शीद भावनगरी जी जी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. बहुत ही बेहतरीन बुक है और बहुत इनके काम, इनके लिखे को बहुत ही अप्रिशिएट किया है लोगों ने. बहुत लोगों ने ये बुक पढ़ी है. ठीक है, तो ये हैं खुर्शीद भावनगरी जी. और इनके दो बेटे थे, विस्पी और रतु. तो विस्पी और रतु जो थे वो एक्सीडेंट में जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद उनकी जो सोल्स थी उन्होंने अपनी माँ से संपर्क किया और चैनलिंग करके बाय ऑटो राइटिंग और जो भी उनको संदेश मिले उनसे, उसके थ्रू उन्होंने ये स्पिरिट वर्ल्ड के जो नियम कानून हैं उसके बारे में अपनी माँ को बताया, और उसके बाद उन्होंने यह बुक लिखी. ठीक है, और उसके बाद ये बुक इतनी फेमस हुई कि पूछो मत. तो ये बुक जो है कुछ दिनों पहले ऐसे मेरे हाथ लगी कि हमारे घर में जो एक होली का इवेंट होने जा रहा था, मतलब हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था कहीं पे, बट मेरा इच्छा नहीं थी क्योंकि जो मेरे पिताजी थे वो भी होली के दिन ही एक्सपायर हुए थे, पूर्णमासी के दिन. तो मेरा इच्छा नहीं थी, तो मैंने वो इवेंट नहीं गई. मैं सुबह 3:30 बजे 3 बजे निकलना था घर से, सब लोगों को उस इवेंट की कुछ तैयारियां भी करनी थी, तो मैं नहीं गई, मैं घर पे ही रही. ये हुआ कि 3:30 बजे करीब मैंने अपने फ़ोन को हाथ लगाया और अचानक से इस बुक के बारे में मेरे सामने आने लग गया. 3:33 हो रहे थे फिर से जब मैंने इस बुक को के बारे में पढ़ना शुरू किया, और मैं हैरान हो गई और बहुत सारी चीज़ें जो थी मुझे क्लियर होनी शुरू हो गई. मतलब ये मुझे यूट्यूब पे मिला पहले, फिर मैंने इसको ऑर्डर किया और फिर ये बुक आई. और तब तक जब तक ये बुक आई नहीं, तब तक मैंने यूट्यूब से ही पढ़ती रही सुनती रही इस बुक के बारे में. तो विस्पू और रतु ने अपनी माता को जो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया जो जिसके थ्रू ये बुक लिखी गई है, उनमें से एक टॉपिक जो है वो आप लोगों के काम का है. तो वो कौन सा टॉपिक है वो देखिए, वो टॉपिक है जुड़वा आत्माएं. तो जुड़वा आत्माओं के बारे में इन्होंने इस बुक में मेंशन किया है, अपनी माँ को बताया और उनकी माता जी ने ये बुक लिखी. ठीक है, तो इस बुक में इन्होंने बताया है कि जीवात्माएं अपने प्रियजनों को उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए उत्सुक रहती है. वह हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करती हैं कि वह अपने प्रियजनों को वह गलत राह पर कभी न चलने दें, प्रेरणा दे सके ताकि उन्हें कष्ट ना भोगना पड़े. तो इसमें ये है, इसको मैंने पूरा पढ़ा है. इसमें ये है कि इसमें ये बताया गया है कि हर इंसान की एक ट्विन सोल होती है. ठीक है, तो ट्विन सोल का इसमें बताया है कि जो अगर एक जैसे कि कई रैलम्स हैं, तो उसमें अगर जैसे कि उनकी ट्विन सोल जो है वो इनसे नीचे वाले रैलम में है, तो और ये उनसे ऊपर के रैलम में है, तो ये हमेशा कुछ चीज़ें ऐसे करती रहती हैं ताकि उनकी आध्यात्मिक जागृति हो, वो अच्छे रास्ते पे जाएं, है ना, अच्छे रास्ते पे जाएं और उन्नति करें और आगे चल के ये दोनों जो हैं वो एक हो जाएं. ठीक है, तो आगे लिखा है, प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है. बड़ी मुश्किल हो जाती है
जब एक जुड़वा आत्मा उस स्तर पर और दूसरी निम्न स्तर पर हो। जो आत्मा उच्च स्तर पर होती है उसे अपनी जुड़वा के समान स्तर तक पहुंचने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस कारण जीवात्मा जगत में उच्च स्तर पर स्थित आत्मा को पृथ्वी पर रहने वाले निम्न स्तर पर स्थित आत्मा को प्रोत्साहित करना पड़ता है। पृथ्वी पर की गई जुड़वा आत्मा को स्तर उच्च स्तर पर ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सभी जुड़वा एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे उनकी जुड़वा आत्मा बुरी हो या अच्छी हो। तो प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है, बड़ी मुश्किल हो जाता है। जो अपर रैलम में जो आत्मा बैठी हुई है ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जो निम्न स्तर पर आत्मा है उसको अपने लेवल पर लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हम वो जो दूसरी आत्मा जो धरती पर है उसको कुछ मालूम नहीं है, वो यहाँ माया में फंसा हुआ है, तो उसको पता नहीं है कि दूसरी आत्मा जो है उसकी जो ट्विन सोल आत्मा है वो उसका ऊपर जो है वो इंतज़ार कर रही है। और उसको इस बात का भी डर हो रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये माया जाल में फंस के इसका स्तर जो है वो और गिर जाए और फिर हमारा जो मीट है या जो हम दोनों का जो मिलन होना है, रीयूनियन या यूनियन, तो वो कहीं डिले ना हो जाए। तो वो उस चीज़ का डर जो है वो उच्च स्तर आत्मा को हमेशा लगा रहता है, अपर रैलम की आत्मा को। तो वो ठीक है, वो चाहती नहीं है, वो टाइम टाइम पर जो है इसको हेल्प भेजती रहती है किसी ना किसी तरीके से, ताकि इसका स्तर बिल्कुल ना गिरे और ये सही मार्ग पर रहे। पृथ्वी के जो लोग अपने अवचेतन मन के सुप्त हो जाने देते हैं और अपने जीवात्मिक मार्गदर्शन द्वारा भेजे हुए संकेतों के अनुसार चलने से इनकार कर देते हैं, वह हम जीवात्माओं के लिए वास्तव में ये समस्या बन जाती है। किसी एक जुड़वा के लिए अपने दूसरे साथी को सही रास्ते पर लाना बहुत मुश्किल काम है। देखो, पृथ्वी के जो लोग अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देते हैं, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड की ज़्यादा नहीं सुनते हैं और उसको उसको ज़्यादा जैसे सबकॉन्शियस माइंड से हमको अवचेतन मन से हमें बहुत सारी चीज़ें रिसीव होती है ना, जैसे कि ड्रीम्स, विजन और न जाने कितनी सारी चीज़ें जो हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही हमें रिसीव होती हैं। बट अगर कोई बंदा उसको सीरियस ले ही नहीं रहा है, तो वो बंदा अगर उसको कोई मार्गदर्शन भेजेगा भी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, अपर रैलम की जो उसकी सोल है, जो ट्विन सोल है, वो अगर मैसेज भेज भी रही है, तो अगर इसका वो मन जो है अवचेतन मन जो सुप्त अवस्था में है, तो ये रिसीव कैसे करेगा, ये रिसीव कैसे करेगा? ये तो और भी ज़्यादा गड्ढे में जाता चला जाएगा, क्योंकि ये तो इस माया में ही फंसता चला जाएगा और लेयर पे लेयर लगती चली जाएंगी। बहुत कम जुड़वा आत्माएं ऐसी होती है जो समान स्तर पर हों, जो एक ही लेवल पर एक ही रैलम में हो। इसलिए उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा को अपने साथी के लिए 2-3 नहीं, 20-30 नहीं, 200 या 300 वर्ष या कभी कभी 500 से 600 वर्ष तक का इंतज़ार करना पड़ता है। इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है जो एक हायर रैलम में चली गई और दूसरा जो अगर नीचे रह गया हो। जब कोई आत्मा अपने दूसरी अथवा तीसरे लोक में पहुंच जाती है, यानी कि सेकंड या थर्ड डायमेंशन में पहुंच जाती है, रैलम में पहुंच जाती है, तो उसे उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए सैकड़ों प्रति वर्षों तक का समय लगता है। कुछ को तो हजार वर्ष भी लग जाते हैं, क्योंकि उनको वो मतलब यहीं के माया जाल में इतने फंसे रह जाते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति तो करते नहीं है, तो उनको हजारों साल लग जाते हैं अपनी ट्विन के सोल के साथ मर्ज होने के लिए। ठीक है, अपने साथी के इंतजार करने वाली जुड़वा आत्मा की इच्छा इतनी प्रबल होती है, वो जो वेट कर रही है ना आत्मा, आराम से 6-7 रैलम में जो स्वर्ग जैसी जगह पे बैठी हुई है, जहाँ पे इतनी शांति और प्यार है, वो बेचारी वहाँ पे बैठे बैठे इतना इंतज़ार कर रही है, इतना मिलना चाहती है उससे, कि वह अपनी साथी की मदद करने के लिए कई बार पृथ्वी पर जन्म ले लेती है। कई बार क्या होता है, वो रिस्क लेके ना धरती पर आती है, वो गॉड के साथ बोलती है कि शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है और कहती है कि मैं उसके पास जाऊँगी और उसके साथ मैं कुछ ऐसी मतलब हमारे ऐसे हालात होंगे बीच में जिसकी वजह से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, वो सही रास्ते पे आएगा। कभी कभी वह सफल हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर किस्सों में वो निम्न स्तर पर गिर जाती है। मतलब कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो पाता है कि दोनों जैसे बड़ी अपर लेवल की आत्मा नीचे आई, ठीक है, अपने ट्विन सोल को जगाने के लिए। पर क्या होता है कि आने से पहले ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, जिसमें कि आपको अपनी याददाश्त, अपनी मेमोरी सब खत्म करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आने पे क्या होता है कि वो ऐसे परिवारों में पैदा होती है जिनमें कष्ट होते हैं ये सब। अब क्या होता है कि अब याददाश्त नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंदर है वो, मतलब सोल को पता है सारी बातें, तो ये तो मालूम है कि कोई बनाया हुआ है उसके लिए, ये तो ये चीज़ वो फीड करके आती है कि कोई बनाया हुआ है उसके लिए, पर क्या है क्या नहीं है उसका कोई उसको रिकॉर्ड नक्शा कुछ नहीं पता उसको। तो अब क्या होता है कि कोई कोई सफल होती है ट्विन सोल, ज़्यादातर का क्या होता है कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता और वो विफल हो जाती हैं और वो अपने से भी जिस डायमेंशन में है, जिस रैलम में है, उससे भी नीचे वाली रैलम में चली जाती हैं। तो ये होता है ज़्यादातर। इस तथ्य को दोहराने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते कि यदि पृथ्वी के लोग इतने बुद्धिमान होते कि वह अपने लिए क्या सही है क्या गलत है ये समझ पाते, तो या फिर जीवात्मा जगत से मिलने वाले संदेशों को प्राप्त करने की कोशिश करते, तो उनके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता। ये कह रहे हैं कि इस तथ्य में
को दोहराने से हमें अपने आप को रोक नहीं सकते कि यदि पृथ्वी के लोग इतने बुद्धिमान होते कि वह अपने लिए क्या सही है क्या गलत है समझ पाते, तो वो जीवात्मा जगत से मिलने वाले संदेशों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते तो उनके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता। लेकिन धरती पर ज़्यादातर लोग मृत्यु के बाद जीवन अथवा जीवात्मा जगत पर विश्वास ही नहीं करते। यदि कुछ लोग विश्वास करते भी हैं तो यह जानना उनके क्षमता से दूर है कि हम कैसे संदेशों को भेज सकते हैं अथवा धरती के लोग उन संदेशों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उनकी दुनिया में कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो कहते हैं कि मृत आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से उनकी प्रगति रुक सकती है। वे परेशान, वो कह रहे हैं कि मतलब जो जुड़वा आत्माएं हैं वो कैसे रिसीव करेंगी उनकी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो तो ये सिखाते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ हमें रिसीव नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। तो अगर कोई जुड़वा आत्मा यानी कि ट्विन सोल आत्मा अपने प्रेमी को अपनी प्यार को कोई मैसेज भेज भी रही है तो वो कैसे रिसीव करेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे ये फालतू की चीज़ें हटो इनमें से, ये सब बकवास है। कृपया हमें गलत ना समझे, लेकिन हम उन मूर्खों को यह कहने से अपने आप को रोक नहीं सकते हैं कि यदि सचमुच बुद्धिमान और ज्ञानी होते तो आप इस तरह नहीं सोचते। इसके अलावा ऐसे लोग जो जीवात्मिक संपर्क को रोकना चाहते हैं वह इतने पापी और भ्रष्ट हैं कि वह इस बात से डरते हैं कि दुनिया सच्चाई जान लेगी। वे दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर अपने बुरे कर्मों को जारी रखना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें यह पता है कि यह सही क्या है और वह कोशिश करते हैं कि दूसरे भी इस बात को विश्वास करें कि जीवात्मा जगत से संपर्क करने वाले झूठे या पागल होते हैं। ठीक है, यदि पृथ्वी के लोग हमारे साथ सहयोग करें तो हमारे लिए उन तक संदेश भेजना और उनकी मदद करना बहुत आसान हो जाएगा। जीवात्मा जगत की आत्माएं कहती हैं कि अगर धरती के लोग हमें सहयोग दें तो हम उनको रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, इसकी बजाय वह ये गप हाँकते हैं कि सब कुछ बकवास है, धोखा है, इससे लोगों की मदद होने होने के बदले उनका नुकसान होता है। इसलिए हम अपने संकेत भेजने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और वर्षों तक इन लोगों के लिए पीछे भागना पड़ता है ताकि वह सही रास्ते पर आ सके। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ आत्माएं अपनी धारणाएं नहीं बदलती, वह हमारी बात नहीं सुनती और अपनी बुरी राह पर चलती हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब जो स्पिरिट वर्ल्ड की आत्माएं हैं उन्होंने ये बोला है कि हम अगर पृथ्वी लोक की आत्माएं अगर हमारे थोड़ा हमें सहयोग करें तो हम उनका मार्गदर्शन कर सकती हैं, हमें वो बता सकती हैं कि आपको किस राह पे जाना है। लेकिन धरती पर जो कुछ पाखंडी हैं उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बता रखी हैं कि इन सब चीज़ों से संपर्क नहीं करना चाहिए, ये सब बकवास की चीज़ें हैं। तो उनकी जो ट्विन सोल धरती पे है वो भी वो उन्हीं लोगों की मतलब धरती के जो पाखंडी हैं उन्हीं की बातें सुन के चलती हैं, तो वो फिर विश्वास नहीं कर पाती इन इन मैसेजेस को जो उन्हें ऊपर से मिल रहे होते हैं। अब आगे सुनिए, जब पृथ्वी की कोई दुष्ट आत्मा अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देती है और उसका जवात्मक मार्गदर्शन भी उस आत्मा को सही राह पर लाने में असफल हो जाता है, तब ऐसी आत्मा को सही राह पर लाने के लिए उसकी जुड़वा आत्मा के अलावा और कौन बचता है। पृथ्वी की किसी गिरी हुई जुड़वा आत्मा को उस स्तर तक उठाना और उसे उधार लाने की कोशिश करना जीवात्मा जगत की जुड़वा आत्मा के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए जो जरूरी है वह करें, खुद को सुधारें, उस स्तर तक तेजी से बढ़ें। तो वो ये कह रही हैं कि जब कोई आत्मा जो नीचे स्तर पर है तो अगर उसका लेवल बढ़ ही नहीं रहा है, उसका आध्यात्मिक लेवल बढ़ ही नहीं रहा है, वो कुछ अच्छे काम कर ही नहीं रहा है, वो पूरी की पूरी इस माया जाल में फंस गया है, तब उसकी जो ट्विन सोल आत्मा है जो अपर रेलम में बैठी हुई है, तब उसको यह डिसीजन लेना पड़ता है। कई बार ही जब वो देखती है कि इतने 100 साल हो गए ये तो रास्ते पे आ ही नहीं रहा, ये तो ऐसे ही आ रहा है जा रहा है, बस रिकार्नेशन हो रहा है इसका, ये तो आ ही नहीं पा रहा, हम दोनों एक हो ही नहीं पा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो कई बार बेचारे को उस आत्मा को रिस्क लेके अपने उस स्वर्ग जैसी दुनिया को छोड़ के यहाँ पे आना पड़ता है अपनी ट्विन सोल को मार्गदर्शन देने के लिए। वो उसकी ज़िंदगी में आता है और फिर उसकी आध्यात्मिक जागृति जो है वो शुरू होती है। ठीक है, और अगर उस दौरान उसने कुछ अच्छे कर्मा हीलिंग वगैरह सब कुछ किया तो फिर उसके पास चांस होता है कि अपर रेलम में मतलब वो मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त के आगे की रेलम की तरफ ऊपर की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ दोबारा इस धरती पर ना आए और आगे की तरफ निकल जाए। तो इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेती है ये आत्मा और धरती पे आके ये दोनों मिलते हैं जब, तो आगे का एक्सपीरियंस तो सारा आपको पता ही है। ट्विन सोल का 230 से ज़्यादा वीडियो बना चुकी हूँ उस सब्जेक्ट पे, क्यों क्यों लगता है जब हम पहली बार उसको देखते हैं कि हमने इसको देखा हुआ है। क्या मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इस कहानी को? अब आप बताओ कि ये किताब जो है ये इतना वर्ल्ड फेमस हुई, ठीक है, इस किताब में साफ साफ लिखा है इस चीज़ के बारे में। खुद रिपू और उनके जो दूसरे भाई हैं उन्होंने अपनी माँ को ये चीज़ जो है ये चैनल करके बताई कि आप दुनिया को बताओ इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों जो आपको हम बता रहे हैं सारी बातें बिल्कुल सच्ची हैं, तो
आप लोगों को क्या करनी है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, अपने आप पे इनर वर्क करना है, ताकि आप लोग जो हैं वो अपने ट्विंस के साथ एक होके अपने सही घर पे पहुंच सके। पृथ्वी पे चंद वर्षों की मौज मस्ती खुशियों के बारे में मत सोचिए, शाश्वत खुशियों के बारे में सोचिए, ठीक है। और जिन लोगों को ना, जिनकी ट्विंस अभी इस धरती पे मिले नहीं है लेकिन उनको मैसेजेस रिसीव होते हैं, उनको मार्गदर्शन मिलता है, तो वो समझ लें कि वो उनकी ट्विन सोल फैमिली या उनके एंजल्स या उनकी खुद उनकी ट्विन सोल ही उनको ये मार्गदर्शन कर रही है, ताकि वो अपना स्तर ऊपर करके उनके पास आगे चल के वो मर्ज हो सकें आगे, मतलब जब भी होगा। तो वो ये है, बट जो उतर रखी हैं साक्षात्कार धरती पर, तो उन लोगों को तो अपने पे काम करना ही चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति करनी ही चाहिए, इनर वर्क करना ही चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो था मेरा इस किताब से, जीवात्मा जगत के नियम द लॉ ऑफ स्पिरिट करके, खुर्शीद भावनगरी जी का। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले दिनों में। सो आप वेट करिए और इंतज़ार करिए, बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे।